बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ब्लॉग में मोहम्मद अली जिना लाइब्रेरी, जो कि कौसर टाउन मलीर में वाक़ है, उसके बारे में डिटेल्स फराम करेंगे। लाइब्रेरी की एडमिनिस्ट्रेटर मैडम का इंटरव्यू भी है, उसके अलावा लैब इंचार्ज अख्तर भाई का भी इंटरव्यू इसमें मौजूद है। तकरीबन कोई 7,000 प्लस बुक्स अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ मौजूआत की किताबें आपको मिल जाएंगी। अखबारात और जराइद की भी बहुत बड़ी तादाद रोज़ाना यहाँ पर आती है। उसके अलावा 9 से लेकर शाम 6 बजे तक की टाइमिंग है, आप आकर यहाँ मुताला कर सकते हैं। बेहतरीन इन्वायरमेंट है, एम्बियांस बहुत अच्छी है, किताबों की बेहतरीन कलेक्शन है। यहाँ पर आइए और मुताला कीजिए। राबिया नाम है मेरा और मास्टर किया है मैंने, लाइब्रेरी साइंस में मास्टर किया है, इसीलिए मैं यहाँ पे एज ए लाइब्रेरियन हूँ मैं यहाँ पे। और ये जो लाइब्रेरी शुरू हुई थी 2010 में ना, तो 2010 में ही लाइब्रेरी शुरू हुई। स्टार्टिंग हमने 2000 की बुक से हमने किया, उसके बाद आस्ता 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 बढ़ते बढ़ते स्टॉक हमारा, इस वक्त हमारे पास मौजूदा स्टॉक जो है करंट वो 7,000 के करीब है। इसमें कुछ अवामी जो हमें तावन जो हासिल रहा माशाल्लाह से, पब्लिक का, इलाके के लोगों का, इनकी तरफ से हमें बड़ा सपोर्ट मिला। किताबों के सिलसिले में जो उन्होंने डोनेशन वगैरह देनी शुरू किया, ये सारी बात इनके साथ, इनके तावन की वजह से हमें काफ़ी सपोर्ट मिला किताबों के कलेक्शन को बढ़ाने में। मैम अभी कितना स्टाफ हमारे पास यहाँ पर है? हमारे पास 16 के करीब स्टाफ काम कर रहा है, दो शिफ्टों में जी। इसमें लेडीज़ भी हैं और जेंट्स भी हैं। यहाँ पे टाइमिंग क्या है लाइब्रेरी की? टाइमिंग है पूरे टोटल तो टाइमिंग 9 से 6 है, लेकिन सुबह दो शिफ्टों में काम कर रहा है तो 9 से 2 बजे तक है, फिर 2 बजे से दूसरी शिफ्ट शुरू हो जाती है जो 6 बजे तक बैठी होती है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स की किताबें आपके पास अवेलेबल हैं? तमाम सब्जेक्ट की किताबें, ये पब्लिक लाइब्रेरी में बॉन्ड नहीं होता कोई भी बुक्स के ये रखना है या ये नहीं रखना। हर मौजू पे मैंने 10 मौजू हैं, जो 10 के 10 मौजू हमारे पास मौजूद हैं। इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इस्लामियात, मैथ, हिस्ट्री, लिटरेचर, आर्ट, इस्लामी बुक्स तमाम शामिल हैं। अखबारात और जराइद ये सारी चीज़ें, ये तो मतलब तो दूसरे इसमें आते हैं ना, अखबारात और रिसाइल के, इसमें हमारे पास अखबार जहाँ आ रहा होता है, और 2-3 डाइजेस्ट और हैं हमारे पास आ रहे होते हैं, जैसे डालडा का दस्तखान भी आ रहा है, 4-3 डाइजेस्ट आ रहा है, बच्चों के नौनिहाल, बच्चों का एक नौनिहाल आता है हमारे पास, 4 अखबार आ रहे होते हैं जिसमें डॉन, जंग, अमन, एक्सप्रेस, उमर, ये चार पांच अखबार जो है हमारे पास करंट बेसिस पे रोज़ाना के आ रहे हैं। मैम बुक की इशुएंस के हवाले से आपसे सवाल करूंगा, अगर मैंने कोई बुक इशू करवानी है तो उसका क्या तरीके का है? इसका प्रोसीजर ये है कि हम NIC लेते हैं आपका पर्सनल, और उसमें ये कि ज़रूरी होता है कि अपडेट्स रहे, एक्सपायर ना हुआ हो, और आपका पर्सनल, आप किसी का मदर का नहीं दे सकते, अपने आप अपने ही आप देंगे। NIC पे हम एक टाइम में 2 बुक्स इशू कर देते हैं और 15 डेज के लिए विदाउट फ्री, विदाउट कोई चार्जेस नहीं होते इसके ऊपर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइब्रेरी। तो मैं अगर उस किताब की रीइश्योरेंस कराना चाहूँ तो करा सकता हूँ उसी शिनाख्ती कार्ड पे? 15 डेज के बाद आपको रीइश्यू आप करा सकते हैं, उसके बाद 1 महीने के बाद फिर हम बुक्स को मतलब तीसरी दफ़ा इशू नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो दूसरे हमारे रीडर्स भी बैठे होते हैं, तो ये हम उनको दे देते हैं। यानी 15 डेज की 2 इशुएंस हो सकती हैं, जो मैक्सिमम 1 मंथ तक जा सकती है। एले मोहल्ला से एक रिक्वेस्ट है, और पर्सनली मैंने इनको बोला अभी ये कि लाइब्रेरी के कॉर्नर पे ही ये कचरा डाल देते हैं, जो लाइब्रेरीज के उसके लिए बड़े प्रॉब्लम हमारे लिए कैट करिए, तो स्मेल बड़ी आ रही होती है लाइब्रेरी के अंदर ही। और दूसरी बात ये कि मैं इनको इन्वाइट करना चाहती हूँ कि अगर बड़ी से बड़ी तादाद में ये आएँ हमारे पास, क्योंकि फुल AC में लाइब्रेरी चल रही है, तो माशाल्लाह से आप लोग आइए, टाइम दीजिए, पूरा स्टाफ मौजूद है, आपको खिदमत प्रोवाइड कर रहा है, आप जिस तरह की हमसे डिमांड करेंगे बुक्स की वो आप हमें आगे भेजेंगे, हम आपको देंगे। तो ये प्रॉपर बड़ा थ्रू प्रॉपर चैनल अगर चलेगा तो माशाल्लाह से हमारी लाइब्रेरी, हम इसको और भी अपडेट कर सकते हैं इस सिलसिले। अच्छा, ये बात जो आपने कही है ना कि अगर किसी की कोई बुक की रिक्वायरमेंट है वो आपको दें और आप उसको अवेलेबल करा देंगे, बहुत बड़ा प्लस है ये। ख़ास तौर पे जो गरीब तलबा हैं, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे होते हैं जो किताबें नहीं ख़रीद पाते, अगर आप उसको अवेलेबल करा देंगे तो बहुत बड़ा सदका जारिया भी होगा। वो हमारे पास स्टॉक में है भी। अच्छा, बुक्स
जो बुक्स हम लोग हमने ये वो बुक्स अपने पास रखी हुई है जो बच्चे नहीं खरीद पाते। अच्छा, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनके बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम, तो वो हम दे देते हैं। इसमें ये फिजिक्स की है, इंग्लिश है, मैथ है, कोर्स की किताबें हैं। ओके गुड। रेफरेंस ज़ाहिर है वो लाइब्रेरी में आके बैठेंगे पढ़ेंगे जी जी, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट घर भी ले जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद जब उनका पूरा साल हो जाए तो वो काइंडली हमें वापस कर दें तो बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एक बात कहना चाहूँगी वो ये है कि इनको इनके काम को देखते हुए इनको प्रमोट करना भी इनके लिए ज़रूरी है। मतलब इनको प्रमोशंस नहीं मिलते, बहुत काफ़ी साल हो जाते हैं इनको प्रमोशन नहीं मिलती है। सैलरी में इंक्रीमेंट कोई नहीं आता गवर्नमेंट की तरफ से? वो तो एक अलग सी चीज़ है ना, अगर प्रमोशन अच्छा। होंगे तो वो सैलरी इंक्रीमेंट सालाना तो इंक्रीमेंट लग जाता है ना। अच्छा, उसके अदरवाइज प्रमोशन तो पे स्केल की बात कर रही हैं आप, पे स्केल में इंक्रीज ओके, प्रमोशन नहीं मिलती है इनको। अच्छा। अगर ये प्रमोशन भी इनके साथ मिले तो जाहिर है इस फिर और दिलचस्पी से काम भी कर सकेंगे जी, डिसहार्ड नहीं होंगे, काम करेंगे और अच्छे से जी। सालाना जितने भी एडिशन निकालते हैं अगर हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दे दें तो पब्लिक का इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और इनकी खुद की बुक पब्लिक तक पहुंचेगी तो आगे डिमांड इनकी और आती रहेगी। तो पब्लिक लाइब्रेरी है, पब्लिक आ रही है तो इनकी एडिशन जो है पब्लिक तक पहुंचेगी तो ये तो इनको भी बेनिफिट इसका मिलेगा यकीनन, उसकी प्रमोशन होगी अगर पब्लिशर्स आपको लाला के बुक्स देंगे अगर तो। दें तो हमारे क्योंकि लाइब्रेरी रखते हैं अपनी बुक्स को जी जी, तो इनको तो इसमें इनकी बड़ी अच्छी पब्लिसिटी हो जाएगी इस तरीके से इनके बुक्स। ठीक है मैम, जजाकल्ला, थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया। जो लोग इसको टेक केयर कर रहे हैं, हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटर कराची के और बल्दिया के कि उन्होंने इतनी अच्छी लाइब्रेरी नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट के साथ, इतने बड़े एम्बियांस के साथ और एक्सेलेंट एनवायरनमेंट के साथ हमें प्रोवाइड की है। ये अखबारात की कलेक्शन है जो रोज़ाना यहाँ पर आती है लाइब्रेरी में, तो जो लोग अखबारात पढ़ना चाहें, जराइद पढ़ना चाहें, वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। मतलब पढ़ने के हवाले से जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं अल्लाह का शुक्र है वो इस लाइब्रेरी में बेहिसाब मौजूद हैं। 7000 प्लस कलेक्शन, एक बहुत बड़ा ह्यूज कलेक्शन है जी। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अकबर अली खान है, ये हमारी मोहम्मद अली जिन्ना लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं मोहम्मद ज़ीशान। ये माशाल्लाह जब से 2016 से ओपनिंग की इस लाइब्रेरी में, जब से ये इस लाइब्रेरी में देखते हैं तमाम स्टाफ को, इवेंट के मैं तक इनके ही एंड में हम सब काम जो कर रहे हैं, सब इनके एंड में काम कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त जो बुक्स की तादाद है 7000 प्लस बुक्स मौजूद हैं,
नाइन्थ टेंथ गवर्नमेंट स्कूल की जो एडिशन है फिर गवर्नमेंट ऑफ पब्लिशर का, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने स्टूडेंट्स को जो अवेल नहीं कर सकते, हम उन तमाम लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से दे रहे हैं। देने के बाद उसके अलावा अगर वो चाहते हैं जब उनका एडिशन कंप्लीट हो जाए तो वो हमें रिटर्न कर दें ताकि वो किसी और बच्चे के काम आ सके। इस्लामिक लिटरेचर मेरे पास 4000 समथिंग कुछ है, और CSS की बुक्स हैं, CA की बुक्स हैं, और माशाल्लाह से ये हमारा जितना भी स्टाफ है ये हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव है, जितना भी कह सकते हैं हमारे पास। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ में हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर लैब भी स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे पास अभी नेट की नहीं थी प्रॉब्लम हो रही थी हमारे साथ, तो हमने नेट भी लगवा लिया है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अपने कंप्यूटर लैब स्टार्ट कर देंगे, और ई लाइब्रेरी बनाने का हमारा इरादा है, इस लाइब्रेरी को ई लाइब्रेरी हमारी यहाँ बन जाए। एक्सीलेंट, क्योंकि आजकल जितना भी बच्चा है, जो बड़े हैं, जो कुछ है, वो इंटरनेट को ज्यादा तवज्जो देते हैं, बुक्स के मुकाबले खोलने से बेहतर करते हैं कि वो इंटरनेट पर सर्च कर लें, वहीं से बैठे बैठे चीजें मिल जाएं। तो हमने कोशिश यही करी है कि हम इंशाल्लाह ताला इस लाइब्रेरी को ई लाइब्रेरी करें। अफसर भाई, अहले मोहल्ला के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? अहले मोहल्ला हमारे साथ बहुत कॉम्पिटेटिव है, बहुत कॉम्पिटेटिव है, जितना भी हम उनका शुक्र अदा कर सकते हैं करने बहुत कम होगा हमारे लिए। हमें मतलब ये कह लें कि अगर कुछ सफाई कचरा फेंकने भी कोई जा रहा होता है यहाँ गेट के पास या कुछ, तो हम वो हमें उसको मना करते हैं कि भाई ये लाइब्रेरी है, इसके बाहर कचरा ना फेंको, और इससे ज़्यादा बेहतर क्या कह सकते हैं। अपने कोई प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहें, कोई आप चाहें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको उसमें हेल्प करे, कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जिसको बस ये कि हम चाह रहे हैं कि जैसे हमारे पास मेरा गूगल पे भी मोहम्मद रीजनल लाइब्रेरी सर्च कर सकते हैं, अगर किसी को कोई आना है या कुछ है तो गूगल पे मेरा मोहम्मद रीजनल लाइब्रेरी का मैंने पेज डाल चुका हूँ। ओके, इवेंट ये है कि मेरे पास सिर्फ सिर्फ प्रॉब्लम क्या आती है कि कॉल्स आती हैं, वो पूछते हैं कि ये मोहम्मद रीजनल लाइब्रेरी है कहाँ। तो अब मेरी एक सजेशन थी कि अभी ये सऊदाबाद से लेके खोखरा पहाड़ तक का जो रोड बना है, तो काइंडली जो स्टॉप बस स्टॉप बनाए अगर उसके ऊपर ही जो साइन बोर्ड लगते हैं जो भी लगते हैं उसमें ही हम अगर मोहम्मद अली जिन्ना लाइब्रेरी को हाईलाइट कर दें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। आप डायरेक्शनल साइन की बात कर रहे हैं? जी जी, डायरेक्शनल साइन की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शनल साइन मोहम्मद अली जिन्ना लाइब्रेरी। कोई टपाल क्या लगाता है, कोई किसी चीज का इवेंट इस तरह के जो लगते हैं, उससे बेहतर है कि मोहम्मद अली जिन्ना लाइब्रेरी डीएमसी कोरिंगी के वो लग जाए, पैनाफ्लेक्स लग जाए, कोई भी साइन बोर्ड लग जाए, तो लोगों को पता भी चल जाएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना लाइब्रेरी यहाँ मौजूद है। आप उसको क्या कहते हैं, मैं इम्तियाज को बोल देता हूँ। ठीक है सर, उसको बोल दो कोई आधा ऋषि आपको टैंकर जो है तो ऐसा कुछ है
वो आपका टेंशन नहीं है, वो मेरा मैटर, आपके पानी जो है मैं जमा करा चुका हूँ, ये सब मेरे रिक्वायरमेंट के चार एसी एलईडी वाला तो कोई किसी भी पसंद करते हैं। इन्होंने विजिट कर दिया था ये एमसी विजिट बाय एमएच जो चार्ज के लिए ये कौन सा कौन सी डेट होगी ये सब हमने सब चीजें लिखी है कि यहाँ पे हमारा ये हमने खुद लगाए हैं। नहीं इतना अंधेरा क्यों आ रहा है? मैम लाइट्स नहीं है, लाइट्स नहीं है, ऐसा है कि हमने खुद अपनी मदद आप तहत कैसे करेंगे काम, यहाँ कोई कोई काम नहीं है ऐसा। आप ऐसा करें ना, यू आर द डेप्यूटी डायरेक्टर, ये जितने भी मसले हैं ये डायरेक्टली मुझे आप फॉरवर्ड करें, पिकअप करें, मैं कर रहा हूँ। थैंक यू विजिट की। नहीं नहीं चाय वाय का टाइम नहीं है।